बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल 2020 के दौरान विराट कोहली के साथ हुए टकराव को लेकर बात की है। यह घटना मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुई थी। इस मैच में 165 रन का पीछा करते हुए सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 79 रन बनाकर मुंबई को जीत दिलाई थी। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम हैंडल पर बातचीत के दौरान सूर्या ने कहा, बात केवल मेरी नहीं है, वह अपने खिलाफ खेलने वाले हर बल्लेबाज के सामने ऐसे ही कठिनाई खड़ी करते हैं। मुझे खुशी हुई कि उसने स्लेज किया। इसका मतलब है कि कोहली को पता था कि यदि मैं बैटिंग करता रहता तो हम मैच जीत जाएंगे, और यदि उन्हें मेरा विकेट मिल गया तो फिर शायद वे हमारे रन गति रोक सकते थे और जीतने का अवसर निकाल सकते थे। दोस्तों, सूर्य कुमार ने कहा कि वे मैच के दौरान दोनों का एक दूसरे को घूरना माहौल की गर्मी के चलते हुआ। उन्होंने कहा कि वे कोहली का सम्मान करते हैं। मैं पिच पर शांत और चुप रहता हूं, इसीलिए मैं इस तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ता हूं। लेकिन अबू धाबी में वह माहौल में हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि वह एक घटना हुई थी। सूर्य कुमार ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान टीम इंडिया के लिए डेब्यू भी किया था। इसमें उन्होंने अपनी पहली ही पारी में अर्धशतक लगाया था। मैच में उन्होंने पहले ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को फाइनल लेग के ऊपर बाउंड्री चढ़ी थी। इसी दौरान कोहली और सूर्या ने साथ साथ बैटिंग की थी और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में अभी तक 108 मैच खेले हैं और 2197 रन बनाए हैं। उन्होंने पिछले साल मुंबई इंडियंस को खिताब दिलाने में अहम रोल निभाया। पिछले सीजन उन्होंने 16 आईपीएल मैच खेले थे और 480 रन बनाए थे। आईपीएल 2021 के स्थगित होने से पहले उन्होंने 7 मैचों में 173 रन बनाए थे। उन्होंने भारत के लिए अभी तक 3 T20 मैच खेले और 89 रन बनाए थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।